Guys, what is it? Is it movie time? Yes, we are watching YouTube instead. So my then. Popcorn and Cheetos. Cheetos popcorn and it's a movie time. देखिए ये वही पेड़े हैं जो मैंने बनाए थे। मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ कितना अच्छा बना है। इसकी रेसिपी मैं फिलहाल शूट नहीं कर पाई बिकॉज टाइम नहीं था, मगर बहुत जल्दी मैं इसकी रेसिपी डालूंगी। बहुत सिंपल है और बहुत डिलीशियस, एकदम बाजार जैसा टेस्ट है। स्वागत है आप सबका मॉम स्टूडियो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग एकदम ठीक ठाक होंगे एंड इस दिवाली को एंजॉय कर रहे होंगे एंड ज्यादा गेट टुगेदर नहीं कर रहे होंगे क्योंकि कोरोना है। तो घर में रहिए, सेफ रहिए एंड अपने फैमिलीज के साथ खुशियों वाली दिवाली सेलिब्रेट कीजिए। अलग अलग पकवान बनाइए, खाइए, खिलाइए। तो बस मॉम स्टूडियो की ओर से आपको हैप्पी दिवाली। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रेसिपी। मैं हमेशा इंटरेस्टिंग बोलती हूँ क्योंकि मेरे लिए वो हमेशा इंटरेस्टिंग ही होती है। सिंपल रेसिपी है, थेपला है, मेथी के थेपले, गुजराती की आन बान और शान बोल सकते हैं। तो सिंपल से थेपले बना रही हूँ और सूखी भाजी बन रही हूँ, तो हर गुजराती के घर में बनता ही है। तो आज का लंच हमारा ये है और ये वेदांश। वेदांश शो योर हेयर कट। वेदांश हैज अ हेयर कट। तो चलिए अब मैं इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया था कि आप थेपला की रेसिपी शेयर करो, मगर मुझे लगता था कि ये तो कॉमन है, सबको आता है, सो वो क्या शेयर करूँ मैं। बट देन आई थॉट कि नहीं, कई लोग होते हैं जिनको नहीं पता होता है टिप्स एंड ट्रिक्स, तो सोचा कि आज आप लोगों के साथ वही टिप और ट्रिक्स शेयर करती हूँ कि टेस्टी गुजराती थाई स्टाइल के थेपले कैसे बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2.5 कप जितना आटा लिया है, नॉर्मल व्हीट फ्लोर लिया है और बिल्कुल इतनी छोटी कटोरी मैंने बेसन डाल रही है। ये ऑप्शनल है मगर इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो मैं बेसन डाल रही हूँ। और ये है मेथी, अदरक और लाल मिर्च, हरी मिर्च। तो सबको मैंने अच्छे से मैन्यू चॉपर में चॉप कर लिया है। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, मेथी को मैन्यू चॉपर में चॉप कर लेती हूँ एंड देन यूज़ करती हूँ, तो वो बहुत अच्छा उसका टेक्सचर आता है एंड थेपला दिखने में भी अच्छा लगता है एंड खाने में भी वो बड़े बड़े मेथी के दाने नहीं आते हैं, लीव्स नहीं आते हैं। आप यहाँ पे मेथी की जगह पे पालक भी यूज कर सकते हैं, तो पालक थेपला हो जाएगा, प्रोसेस सेम रहेगी। स्वाद अनुसार नमक। उसके बाद हम लोग डालेंगे हल्दी पाउडर 1 टीस्पून जितनी, लाल मिर्च एज पर योर टेस्ट, आपको कितना तीखा खाना है। अजवाइन भी डाल सकते हैं मगर ट्रेडिशनली अजवाइन नहीं डालती है एंड आप इसमें इवन तिल भी डाल सकते हैं, अगर वो मैं अभी इसमें नहीं डाल रही हूँ, वरना वो आप ऑप्शन भी कर सकते हैं। एंड उसके बाद मैं इसमें डालूंगी ये है चिल्ली पेस्ट, रेड चिल्ली, गार्लिक चिल्ली पेस्ट, वो डालूंगी। ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें या ना डालें, दैट इज टोटली ऑप्शनल। मुझे थोड़े स्पाइसी बनाने हैं तो मैं इसमें डाल रही हूँ चिली पेस्ट। आप इवन जब मेथी कूट रहे हैं, मेथी चॉप कर रहे हैं, तब आप उसमें फ्रेश गार्लिक भी यूज कर सकते हैं, ग्रीन गार्लिक भी यूज कर सकते हैं, दैट इज टोटली अप टू यू। तो ये हमारे सारे मसाले डन हो चुके हैं, जीरा भी डाल सकते हैं। और उसके बाद हम लोग डालेंगे इसमें तेल। तेल डालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उससे थेपले सॉफ्ट बनेंगे, लॉन्ग टाइम पर तक सॉफ्ट रहेंगे।
तो तेल डालना बहुत इम्पॉर्टेंट है इसमें। इवन रोटी में भी कई लोग मोयन नहीं डालते हैं, मगर आई प्रेफर पुटिंग मोयन इन एवरीथिंग, लाइक तेल हो गया, आई मीन थेपला हो गया, पराठा हो गया, रोटी हो, उससे सॉफ्ट रहती है लॉन्ग टाइम तक। तो मैं अराउंड 1 टेबलस्पून जितना, 1 1.5 टेबलस्पून जितना तेल डालूंगी। उसके बाद हम लोग इसमें डालेंगे दही, ज्यादा दही नहीं डालना है, स्पून जितना दही डालेंगे, दैट्स इट। एंड आटा गूंद लेंगे। यानी बस अब हम सारे मसाले हमारे डन हो चुके हैं और अब हम इसमें आटा लगाएंगे। ये देखिए हमारा आटा गूंद के तैयार है, ऐसा सॉफ्ट होना चाहिए और अच्छे से सॉफ्ट करना है इसको, तभी हमारे थेपले हैं वो एकदम मुलायम और सॉफ्ट बनेंगे। इसको अभी मैं रेस्ट देने के लिए रख देती हूँ अराउंड 10-20 मिनट्स तक। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ, थेपला के साथ बनती है सूखी भाजी। तो सूखी भाजी के लिए मैंने बॉयल्ड आलू लिए हैं और आलू को ऐसे लफड़ी चॉप किया है, टमाटो एंड ग्रीन चिली को फाइनली चॉप कर लिया है एंड थोड़ी सी कोरिएंडर। चलिए फटाफट से बनाते हैं। और ऑयल लिया है अराउंड 2 टेबलस्पून जितना ऑयल है। और जैसे ही हमारा जीरा लाल हो गया, हम इसमें डालेंगे चॉप टोमेटोज एंड ग्रीन चिली। इनको अच्छे से कुक करेंगे क्योंकि हमारे पोटैटोज हैं वो ऑलरेडी कुक्ड हैं, तो पहले सबसे पहले इसको अच्छे से कुक करेंगे। डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, लाल मिर्च एज पर टेस्ट एंड धनिया पत्ती थोड़ी हम लोग ऐसे ही इसमें डाल देंगे। और ये डिश है ना, आप इवन ट्रैवलिंग के लिए भी लेके जा सकते हैं, फ्रैंकी बना लीजिए इसकी, तो ये थेपला फ्रैंकी बन जाएगी। और ज़्यादा मसाले इसमें चाहिए नहीं, बेसिक से सिंपल से मसाले हैं एंड गुजराती है तो थोड़ी शुगर तो बनती है, तो मैं थोड़ी शुगर डालूंगी
इट्स टोटली ऑप्शनल। एंड देन सॉल्ट एज पर टेस्ट। ये कितना अच्छा कलर आया है इसका। अगर आप धनिया ये स्टेज पे डाल देंगे तो धनिया का जो फ्लेवर है टेस्ट है वो इसमें घुल जाएगा और बहुत अच्छा आता है टेस्ट। तो थोड़ा धनिया आप जब भी सब्जी बना रहे हो ना सर स्टार्टिंग में डाल दीजिए, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और हमारा अभी टमाटोज कुक्ड हो चुके हैं एंड अब हम इसमें डाल देंगे आलू। इसका नाम सूखी सब्जी है तो ऑफकोर्स ये ग्रेवी वाली नहीं बनेगी, सूखी ही बनेगी। और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारे मसाले हमने ऑलरेडी पहले कर दिए थे और ये थेपले के साथ बहुत अच्छी लगती है। और इसमें है ना जीरे का तड़का ही अच्छा लगता है, राई का तड़का अच्छा नहीं लगता है। टिंग लग रही है, आप ऐसे ही खा सकते हैं इसको। बच्चों के टिफिन के लिए भी ये बहुत ही अच्छी एक डिश है। थेपला बना दीजिए और इसको फिल कर दीजिए, चीज़ ऊपर डाल दीजिए एंड आपकी थेपला वाली फ्रैंकी तैयार हो जाएगी। और उस हिसाब से बच्चे इवन पालक भी खा लेंगे एंड अगर आप मेथी डाल रहे हैं तो मेथी भी डाल लेंगे, खाएंगे, लहसुन भी खा लेंगे, सब कुछ खा लेते हैं। इसमें पानी हमको बिल्कुल भी नहीं डालना है और बस 2-3 मिनट के लिए मैं यहाँ पे छोड़ दूंगी। और ये देखिए हमारी सब्जी बनके तैयार है, सूखी सब्जी, बहुत यम्मी डिलीशियस। थेपला के साथ खाए जाने वाली। तो अब हम थेपला बेलना शुरू करते हैं। मैंने तवा गरम करने के लिए रख दिया है क्योंकि थेपले में तवा एकदम गरम होना चाहिए अच्छे से, स्लो फ्लेम पे नहीं हो सकता। तो आपको जितने भी साइज का थेपला बनाना हो, छोटा बड़ा, आप उस हिसाब से बना सकते हैं। थेपले को एकदम पतला नहीं बेलना है, अगर आप एकदम पतला बेलेंगे तो कड़क हो जाएगा, थोड़ा मोटा रखना है, एकदम भी मोटा नहीं, एकदम पतला भी नहीं, मीडियम साइज, मीडियम थिकनेस होनी चाहिए। और तवे पे मैंने डाल दिया है एंड इसका फ्लेम थोड़ा फास्ट होना चाहिए, पराठे से ज़्यादा होना चाहिए। एंड थेपले को बार बार पलटना नहीं है तेल लगाने के बाद, या ऐसे बार बार आप पलटोगे तो भी आपका थेपला कड़क हो जाएगा। तो एक साइड अच्छे से हो जाएगा, उसके बाद तेल लगाना है एंड देन 2 फ्लिप या 3 फ्लिप मैक्सिमम में आपका थेपला बन जाना चाहिए, वरना आपका थेपला कड़क हो जाएगा। तो अगर आपका थेपला कड़क ना हो तो आपको अच्छे से उसमें मोयन डालना है, अच्छे से उसको सॉफ्ट बनाना है, कड़क आटा नहीं होना चाहिए। एंड ये तीसरी ट्रिक है कि उसको बार बार पलटना नहीं है। और ये देखिए ये सब ब्राउन आ जाएगा, उसके बाद हम लोग तेल लगाएंगे एंड तेल भी हमको कॉर्नर पे भी लगाना है, वरना कॉर्नर ड्राई हो जाएंगे। तो अच्छे से तेल लगाना है
पैन अच्छे से दूसरी साइड हमको कुक करनी है, उसके बाद हम लोग फ्लिप करेंगे। और यस, इसको ऐसे दबा दबा के भी नहीं करना है, जैसे हम लोग पराठा करते हैं ना वैसे, ऐसे छोड़ देना है, वो अपने आप हो जाएगा। और तेल को सब जगह पे लगाना है, वरना कच्ची रहेगा, कच्ची मतलब वो सूखा सूखा लगेगा। और ये देखिए हमारा थेपला एकदम सॉफ्ट बनके तैयार है। बाकी के मैं ऐसे बना लेती हूँ। और यहाँ पे मेरे सारे थेपले बनके तैयार है, और आप देख सकते हैं कि कितने सॉफ्ट बने हैं। इन थेपलों को आप आराम से 1 वीक तक स्टोर करके रख सकते हैं। और बस ऐसे सूखी सब्जी डालिए, थोड़ा अचार डालिए, और हमारी फ्रैंकी बनके तैयार है। कोई भी सफ़र में, हॉलीडे में, लंच बॉक्स में आप लेके जाइए, खाइए और इंजॉय कीजिए। बहुत टेस्टी और डिलीशियस लगते हैं। और अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो गिव इट अ लाइक, गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत ही जल्द मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, सी यू एंड नमस्कार।